हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पता करने वाले हैं, ये आपके लिए ही अपडेट है, सीटेट के रिगार्डिंग। जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैम अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है या हमारा आ जाएगा एडमिट कार्ड, ये पेपर होगा या नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये उनके लिए एक स्पीच या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं या मोटिवेशन मान सकते हैं। तो ये उनके लिए ही रिगार्डिंग अपडेट है। जो सीटेट प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं, प्लीज़ आप अपनी स्टडीज़ पर फोकस कीजिए, ये मत देखिए कि एग्ज़ाम कब होगा या एडमिट कार्ड कब आएगा। तो जो सीटेट की डेट है 5th of July, 100% वो डिले हो चुकी है, वो पोस्टपोन होगी। तो जो भी बच्चे हैं वो अपनी प्रिपरेशन के अंदर लगे रहिए, एडमिट कार्ड जब भी आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप ये मत देखिए कि एडमिट कार्ड आएगा तो हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे या फिर डेट अनाउंस की जाएगी तब हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। आपको बस अपनी प्रिपरेशन पर कॉन्टिन्यूसली हार्डवर्क करना है, उसको ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं है कि आपने 15 दिन पढ़ा और आपने सीटेट क्लियर कर लिया। तो बहुत सारे अब जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है, तो चेंजेस कुछ भी आ सकते हैं सीटेट के एग्जाम से रिलेटेड, या तो वो ऑनलाइन हो सकता है या फिर वो कैसे भी कंडक्ट हो सकता है। तो आपको बस और बस ये देखना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक ही अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। बस आपको ये चीज़ पर फोकस करना है। और रही डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो वो जब भी आपको ऑफिशियल अपडेट आएगी कि पेपर इस टाइम या इस दिन होगा, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड की आप टेंशन मत लीजिए, जब भी अपलोड होगा साइट के ऊपर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए और अपना एक टारगेट बना लीजिए, जब भी एग्जाम होगा सीटेट का वो आपको क्लियर करना ही है, और एक ही बारी में अटेम्प्ट में वो क्लियर करना है। चाहे जो बच्चों ने दो पेपर दिए हैं एक साथ वो फिल किए हैं या फिर एक ही पेपर दे रहे हैं, तो आप अपना बस टारगेट यही लेके चलिए कि आपको एक ही अटेम्प्ट में आप वो क्लियर करके दिखाएंगे और आप करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, इन सब फालतू बातों पर आप छोड़ दीजिए। जब भी जो भी जैसे भी अपडेट आएगी, हमारा चैनल एस्पायरिंग टीचर्स आपको इन्फॉर्म कर देगा। थैंक यू सो मच।